तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स, और मॉडल्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मॉडल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है और किस लिए होता है। तो बच्चों देखिए, मॉडल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो मॉडल हमेशा वर्ब के पहले इस्तेमाल होता है। मॉडल हमेशा वर्ब के पहले यूज किया जाता है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लू, मैंने एग्जाम्पल लिया यू डैश डू इट, मैंने एग्जाम्पल लिखा यू डैश डू इट। यहाँ पे डू क्या है हमारा, डू हमारा क्या है बच्चों, डू हमारा वर्ब है। डू क्या है, वर्ब है। अब देखिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब के पहले हमें एक मॉडल लगाना होगा। तो हम कौन सा मॉडल लगाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लगाएंगे कैन। हम क्या लगाएंगे, कैन। कैन क्या है, एक कैन एक मॉडल है। कैन क्या है, कैन एक मॉडल है। क्लियर बच्चों, तो हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या किया, हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब के पहले एक मॉडल का यूज किया। किस मॉडल का, कैन का। क्लियर है, कहां यूज किया, वर्ब के पहले यूज किया। तब ये सेंटेंस पूरा क्या बन जाएगा, यू कैन डू इट। क्या हो जाएगा, यू कैन डू इट। तो समझ में आया मॉडल का इस्तेमाल कहाँ होता है, मॉडल का इस्तेमाल हमेशा वर्ब के पहले होता है। क्लियर है, अब ये जानना है बच्चों कि वर्ब के पहले मॉडल का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन आखिर क्यों होता है, हम मॉडल का इस्तेमाल करते क्यों हैं, हम क्यों मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए तो मॉडल का इस्तेमाल सेंटेंस में हम कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी या ऑब्लिगेशन शो करने के लिए करते हैं। क्लियर बच्चों, मॉडल का इस्तेमाल सेंटेंस में हम ये सारी चीजें शो करने के लिए करते हैं। क्लियर, अब मॉडल आखिर होते कौन कौन से हैं, तो मॉडल होता है विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, नीड, ऑट टू, यूज टू, डेयर। टोटल कितने मॉडल्स होते हैं, तो मैं अगर कहूँ तो टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। टोटल कितने मॉडल होते हैं, 13 मॉडल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, यहाँ होता है, किस लिए होता है, इसलिए होता है। क्लियर बच्चों, इतना नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे कमांड, कमांड के अंदर हम किस किस मॉडल का यूज करते हैं, तो कमांड के अंदर मस्ट, शैल और विल का यूज करते हैं। क्लियर है, मस्ट का यूज हम कब करते हैं, तो मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब 100% कन्फर्म होता है। 100% कन्फर्म होने का मतलब क्या है, 100% कन्फर्म होने का मतलब ये है कि वो काम करना ही करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वहां पे हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट पे द टैक्सेस, यू मस्ट पे द टैक्सेस, मतलब हमें टैक्स पे करना ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेकेंड है हमारा सेल, सेल का यूज हम कब करते हैं, सेल का यूज तब करते हैं जब कोई ऑफिशियल या कानूनी कमांड हो, जब कोई ऑफिशियल या कानूनी कमांड हो तो वहाँ पे हम सेल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, स्टेट को स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना ही कराना चाहिए। क्लियर है, तो सेल का यूज कब होता है, ऑफिशियल और कानूनी कमांड के लिए। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं विल। बच्चों अब हम देखेंगे कि विल का यूज कब करते हैं, तो विल का यूज कब करते हैं जब कोई कमांड फ्यूचर के लिए दिया जाए, जब कोई कमांड फ्यूचर के लिए दिया जाए तब हम विल का यूज करते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना है कि जो विल होता है वो पोलाइटली कमांड होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं होता है, मतलब करना ही नहीं, करना ही करना है ऐसी वाली बात नहीं है, मतलब पोलाइटली कमांड है, कमांड है बस, पोलाइटली कमांड है। क्लियर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू विल रीच ऑफिस टुमारो, रीच ऑफिस, यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM, यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM, कल तुम्हें 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। क्लियर है, तो ये कमांड तो है लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि करना ही करना है, अब उसके ऊपर निर्भर है, मतलब हमारे ऊपर निर्भर, हम चाहे तो जा भी सकते हैं, हम चाहे ना भी जा सकते हैं। क्लियर है, तो क्लियर हो गया विल का, फिर चलते हैं आगे। बच्चों अब हम देखेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में देखिए कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, तो रिक्वेस्ट में मे, कैन, कुड, विल और वुड मॉडल्स आते हैं। क्लियर है, अब हम मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो मे का इस्तेमाल हम ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जहाँ पे दुआ, संभावना या अनुमति की बात होती है। क्लियर है, विश, पॉसिबिलिटी या परमिशन की बात होती है। क्लियर है, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा मी का यूज होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम हमेशा किसका यूज करेंगे, तो मी का यूज करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट मे का यूज मोस्ट फॉर्मल सेंटेंसेस में होता है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट अगर किसी ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट की बात की जाए, मतलब अगर कोई सेंटेंस में ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट होगा तो वहां पे हम मे का यूज करेंगे। क्लियर है, और मे का जहां पे मे का यूज होता है वहां पे 50% पॉसिबिलिटी होती है, मतलब या जहां पे 50% पॉसिबिलिटी हो वहां पे हम मी का यूज करेंगे। कहने का मतलब क्या है, 50% पॉसिबिलिटी का मतलब काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 50-50 में है, तो वहां पे मी का यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मे आई सी मिस्टर कैलाश, क्या मैं मिस्टर कैलाश को देख सकता हूं, तो 50% पॉसिबिलिटी है, हां भी और ना भी। क्लियर है, तो यहां पे किसका यूज हुआ है, मे का, किस मॉडल का यूज हुआ है, मे का। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं कैन पे। बच्चों हम देखेंगे कैन,
तो कैन का इस्तेमाल उन सेंटेंसेस में होता है जहां पे कैपेसिटी या एबिलिटी की बात हो, मतलब क्षमता या योग्यता का। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये है कि कैन का इस्तेमाल हम इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परमिशन रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों का। ठीक है, फॉर्मल या इनफॉर्मल किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कैन के थ्रू रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई कैन डांस, या ये किसकी बात हो रही, एबिलिटी की बात हो रही। आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ पे क्या हुआ, परमिशन रिजेक्ट किया गया। क्लियर है, तो ये था इसका एग्जाम्पल। क्लियर है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे गुड। तो बच्चों अब हम देखेंगे कुड। देखिए कुड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो कुड का इस्तेमाल ऐसे सेंटेंसेस में होता है जहाँ पे पास्ट एबिलिटी की बात की जाए। कहने का मतलब क्या है, एबिलिटी की बात हो लेकिन पास्ट में हो। जैसे एग्जांपल आई कुड डांस, मैं डांस कर सकता था, मैं डांस कर सकता था। तो डांस क्या है, डांस एक एबिलिटी है। ठीक है, डांस एबिलिटी है, योग्यता है। लेकिन कुड कर सकता था, मतलब किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो जबकि पास्ट में एबिलिटी की बात होगी तो वहां पे कुड का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये थोड़ा सा कम फॉर्मल होता है। नेक्स्ट मे से थोड़ा कम संभावना हो, तो मतलब मे में क्या था कि बहुत अधिक संभावना थी किसी भी चीज की होने की, लेकिन इसमें मे का मे से कम संभावना होता है। जैसे मैं डांस कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, कर सकता था बट मैंने किया नहीं। क्लियर है, तो यहाँ क्या है, संभावना कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। यहाँ पे मतलब इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस भी आते हैं जहां पे पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कुड डांस। क्लियर है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वी पे। बच्चों अब हम देखेंगे वुड। विल मैंने स्किप कर दिया क्योंकि विल हम पहले ही कमांड में देख चुके हैं, एज इट इज यहाँ पे भी होगा। क्लियर है, इसलिए मैंने विल स्किप कर दिया, हम वुड देखेंगे। क्लियर, अब देखिए हम वुड का इस्तेमाल कैसे सेंटेंसेस में करते हैं। तो वुड का इस्तेमाल हम ऐसे सेंटेंसेस में करेंगे जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होती है, और पोलाइट रिक्वेस्ट में किस चीज की बात की जाए, ऑफर या इच्छा की बात की जाए, तो वहां पे किसका इस्तेमाल होगा, वुड का इस्तेमाल होगा। सेकेंड चीज क्या है कि ये पास्ट हैबिट्स को दिखाता है, किस चीज को दिखाता है, पास्ट हैबिट्स को दिखाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अनरियल सिचुएशन होती है, यहाँ पे जो सिचुएशन बनती है वो रियलिस्टिक ना होके अनरियल सिचुएशन बनती है। क्लियर है, नेक्स्ट ये थोड़ा कम फॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल वुड यू लाइक टू हैव सम जूस, क्या आप थोड़ा जूस लेना पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि क्या आप लेना पसंद करेंगे, मतलब दिया नहीं जा रहा है। सिचुएशन कैसी है, अनरियल सिचुएशन है। सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन अनरियल है, दिया नहीं जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या आप लेना पसंद करेंगे। अब अगर इसका आंसर आएगा हाँ तो दिया जाएगा, और नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो सिचुएशन कैसी है, अनरियल सिचुएशन है। क्लियर बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों अब हम देखेंगे परमिशन, कमांड और रिक्वेस्ट हो चुका है, अब हम देखेंगे परमिशन। तो परमिशन में कौन कौन से मॉडल आते हैं, परमिशन में आते हैं कैन, कुड और मे। क्लियर है, और इन तीनों को हम पहले ही देख चुके हैं, कैन को भी पहले देख चुके हैं, कुड को भी पहले देख चुके हैं, मे को भी पहले देख चुके हैं। क्लियर है, कैन कहाँ यूज हो रहा था, इनफॉर्मल परमिशन के लिए, कुड कहाँ यूज हो रहा था, थोड़ा कम फॉर्मल के लिए, और मे कहाँ यूज हो रहा था, मोस्ट फॉर्मल के लिए। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा परमिशन। परमिशन के बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। ठीक है, इसमें सारे ही मॉडल्स आ जाते हैं, इसमें जितने मॉडल होते हैं, जितने मॉडल्स होते हैं हमारे, वो सारे के सारे मॉडल ही प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। संभावना है तो संभावना में सारे के सारे ही मॉडल्स आ जाते हैं। क्लियर है, इसको हम अलग से नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें जो हम पढ़ चुके हैं वो सारे के सारे मॉडल्स इसमें आएंगे। इसके बाद हमारा लास्ट बचेगा एडवाइस, उसको हम देखेंगे। क्लियर है, तो बच्चों अब हम देखेंगे एडवाइस। एडवाइस के अंदर कौन कौन से मॉडल्स आते हैं, तो एडवाइस के अंदर हैड टू, हैव टू, हैज टू, मस्ट, शुड और टू, ये सारे मॉडल्स आते हैं। क्लियर है, अब हैज टू, हैव टू का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो हैज टू, हैव टू का इस्तेमाल जब कोई काम करना पड़ता है, जब ऐसा कोई सेंटेंस है जहाँ पे कोई हमें काम करना पड़े। ठीक है, तो वहाँ किसका इस्तेमाल होगा, हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और यही ऑब्लिगेशन में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए हम ऑब्लिगेशन को अलग से नहीं देखेंगे क्योंकि सेम चीज़ है। ऑब्लिगेशन में भी हैज टू है, हैज टू हैव टू आता है, और वहाँ भी कंडीशन यही होती है, इसलिए हम ऑब्लिगेशन को नहीं यहीं पे देख लेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट विल हैव टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, विल हैव टू का इस्तेमाल फ्यूचर में कोई काम करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें ये दिखाई दे कि फ्यूचर में कोई काम हमें करना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा, तो वहाँ पे विल हैव टू का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है ऑट टू। ऑट टू का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, नैतिक वाली बात है, नैतिकता वाली बात है, ऐसी बातें जहाँ पे नैतिकता दिखाई दे वहाँ पे ought to का यूज होता है। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल वी ought to respect parents, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये क्या है, नैतिकता है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा,
और टू का यूज होगा। क्लियर है? अब हमारा एक और बचा है जो लास्ट है, सुड। सुड का यूज देखेंगे इसके बाद। तो चलिए इतना कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे सुड। तो सुड का इस्तेमाल हम ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जहां पे रिकमेंडेशन किया जाए। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? सिफारिश। जहां पे सिफारिश आ जाए वहां पे सुड का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, जहां भी लिस्ट, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा, जहां भी सेंटेंस में लिस्ट दिखे, जहां भी दिखे दिख जाए, जहां भी लिस्ट दिखे वहां पे हमेशा सुड लगेगा। वहां पे क्या रहेगा? वहां पे हमेशा सुड का यूज होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स। क्लियर है? तो हमारे जो मॉडल्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, काफी शॉर्ट नोट मैंने तैयार किया था जिससे आपको बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, उसके रिविजन में भी। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।